नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। अल्डोल कंडेंसेशन जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जो रिएक्शन में हम अल्डोल ये प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अब ये जो अल्डोल प्रोडक्ट है वो हम कीटोन से भी बना सकते हैं और अल्डिहाइड से भी बना सकते हैं। दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि इसमें एक क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन भी होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक अल्डिहाइड और दूसरा कीटोन इनके बीच में रिएक्शन करके क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट वहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस रिएक्शन के समान बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। ठीक है, तो इसलिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म ध्यान से देखिए, ध्यान से इस रिएक्शन का मैकेनिज्म घर पे प्रैक्टिस करिए, आपको इसका जो मैकेनिज्म जो है वो बाकी के रिएक्शंस में भी काम में आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज मीन बाय कंडेंसेशन, ये वर्ड हमें बहुत बार सुनने को मिलता है, बहुत सारी रिएक्शंस में कंडेंसेशन वर्ड आता है। ठीक है, जैसे मान लो कि नोवेंजल कंडेंसेशन है, स्टॉप कंडेंसेशन है, ऐसे बहुत सारे कंडेंसेशन के रिएक्शंस है जिसमें हमें कंडेंसेशन ये वर्ड मिलता ही है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल कंडेंसेशन होता क्या है। ठीक है दोस्तों, कंडेंसेशन मीन्स अगर दो मॉलिक्यूल, ठीक है, दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और उनमें से कोई स्मॉल मॉलिक्यूल अगर बाहर निकलता है, जैसे मान लो H2O है, अमोनिया है, HCl है, ऐसे कोई स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं तो उस प्रकार की रिएक्शंस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे कि मान लो यहाँ पे है सी डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरी तरफ है, इसको R कर देंगे, दूसरी तरफ है हमारे पास दैट इज OH, ठीक है, दैट इज अल्कोहल। अब इसमें से अगर इन दोनों, ये दो मॉलिक्यूल अगर कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होने के बाद में इसमें से OH और इसमें से H, ये वाटर मॉलिक्यूल अगर रिमूव होता है दैट इज माइनस H2O, तो इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। सो क्या बचा है अभी, R C डबल बॉन्ड O O, यहाँ से OH गया, यहाँ पे बचा है R। तो एसिड और अल्कोहल के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होके H2O बाहर गया और हमें प्रोडक्ट मिला दैट इज ईस्टर। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं जिनमें लार्जर मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है या रिमूव होता है, एलिमिनेट होता है, उस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अल्डोल कंडेंसेशन भी उसी टाइप की रिएक्शन है जो हमें आज देखना है। ठीक है, सो कौन सी भी रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हमें आनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, ये डेफिनेशन मैं आपको फिर से एक बार पढ़ा के बताऊँगा। एनी अल्डिहाइड और कीटोन विच कंटेंस एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान से देखिए दोस्तों, एनी अल्डिहाइड और कीटोन विच कंटेंस एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, वन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ब्रैकेट में डाइल्यूट, ठीक है, और एसिड अंडरगोज कंडेंसेशन रिएक्शन गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन इज नोन एज अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो अल्डोल कंडेंसेशन एक्चुअली क्या है कि कोई भी अल्डिहाइड और कीटोन जिनमें एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है और उन अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ क्या, बेस और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, दो टाइप की रिएक्शन उसमें पॉसिबल है, बेस के साथ और एसिड के साथ, और उनमें होगी कंडेंसेशन रिएक्शन जो मैंने अभी बताया, कंडेंसेशन रिएक्शन, एंड
कंडेंसेशन रिएक्शन होके हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको उसका मैकेनिज्म भी समझा दूंगा। मान लो कि हमने एसिड एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड हमने लिया दैट इज एसिटाल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब डेफिनेशन में हमें बताया गया है कि एल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए कि उसमें एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, एक अल्फा हाइड्रोजन अगर उसमें नहीं रहेगा अल्फा पोजीशन के ऊपर तो वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं ये हम पहले चेक करेंगे। ठीक है, अल्फा पोजीशन वाला कार्बन किसको हम बोलेंगे, ये है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब जब फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट वाला जो कार्बन रहता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, तो ये कार्बन हुआ अल्फा कार्बन, और उस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें तीन अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी इस रिएक्टेंट में अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, अब ऐसे कौन से एल्डिहाइड्स है, ऐसे कौन से कीटोन्स है जिसमें अल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं हो सकता, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, अब फॉर्मल्डिहाइड जो है दोस्तों, ये हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप CHO। अब उसके एडजेसेंट यहाँ पे एक भी कार्बन एटम नहीं है, कार्बन एटम नहीं है इसलिए इसमें क्या रहेगा, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट रहेगा, एक भी अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे है ये फंक्शनल ग्रुप, उसके एडजेसेंट वाला कार्बन मान लो ये है। ठीक है, अब इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं है, एब्सेंट है, इसलिए इसमें भी आपको अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो दोस्तों एसिटाल्डिहाइड में हमें अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन मिल सकती है बिकॉज इट इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन उसमें होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल लिया, दो मॉलिक्यूल हम कंबाइन करने वाले हैं एल्डिहाइड के। ठीक है, दोनों भी हमने लिए एसिटाल्डिहाइड, दोनों सेम मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं, इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। ठीक है, आप यहाँ पे NaOH भी ले सकते हो या एसिड भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम देखेंगे दोस्तों NaOH के साथ में, डाइल्यूट NaOH के साथ में और बेस के साथ में रिएक्शन क्या होने वाली है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलता है दोस्तों CH3 CH OH then CH2 C डबल बॉन्ड OH। आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। अब दोनों रिएक्टेंट्स को ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, रिएक्शंस एक्चुअली कैसी हुई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये कार्बन, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है CHO, उसके एडजेसेंट वाला जो कार्बन रहेगा उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, उसके बाद वाला जो कार्बन रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन, और यहाँ पे बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्साइड ग्रुप है इसलिए इसका जो नाम बनेगा दोस्तों वो रहेगा बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी, और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, सो इसको नाम देंगे हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा दोस्तों, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, दैट इज अल्डोल। ये अल्डोल नाम कहाँ से आया, एल्डिहाइड का ALD और OL मीन्स अल्कोहल का OL। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिला अल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है, इसको जब हम हीट करेंगे, अभी क्योंकि मैंने इसको नाम दिया दोस्तों कंडेंसेशन रिएक्शन, और आप बोलेंगे कि यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट ही नहीं हुआ,
आपने पहले बोला कि कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है कि जिसमें दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे और एक स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो बाहर जाएगा, यहाँ पे एक भी स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर नहीं गया, तो इस रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन क्यों बोलेंगे। ठीक है, तो उसका भी आंसर मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। अब ये जो एल्डोल प्रोडक्ट मिला है इसको जब हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद में यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा दोस्तों। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन और बीटा कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप है वो निकल जाएंगे एज अ वाटर मॉलिक्यूल। सो हियर इज अ एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और इसके साथ में हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH। अब यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन कम हुआ, यहाँ का OH कम हुआ, सो यू विल गेट CH3CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। और इसका जो नाम है इसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड अल्फा बीटा एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसको कॉमनली बोलते हैं, इसको कॉमनली बोला जाता है क्रोटोनल्डिहाइड। तो दोस्तों देखिए कि यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ, दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए और दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स कंबाइन होने के बाद में एक वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से निकल गया। अब इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, सो आपके ध्यान में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये रिएक्शन हो गई, इसको हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो चलिए इसका मैकेनिज्म हम जान लेते हैं, किस प्रकार से इसका मैकेनिज्म होगा। सो मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, मैकेनिज्म के लिए दो हमारे पास दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स थे, उसमें से एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स मैं यहां पे लिखूंगा, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड ओ एच, राइट। यहाँ पे जो कार्बन है इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास है बेस। ठीक है, बेस हमारे पास है दैट इज NaOH, डाइल्यूट NaOH हम ले सकते हैं, मैंने लिया NaOH का दैट इज OH माइनस। ठीक है, अब ये बेस क्या करेगा, बेस का काम क्या होता है दोस्तों देख लीजिए, मैकेनिज्म जब हम लिखते हैं तो मैकेनिज्म का जो बेसिक है वो एक ही रहता है। ठीक है, आप पहले समझ लो कि बेस का काम क्या रहता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये अगर आपके ध्यान में आ गया तो आप मैकेनिज्म जो है तो इजीली बना सकते हो। ठीक है, बेस का काम क्या होता है दोस्तों, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, जो एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा, मोस्ट एसिडिक रहेगा, उस हाइड्रोजन को वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है उसको ये बेस क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अब जैसे ही हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा दोस्तों तो यहाँ पे हमें मिलेगा CH2-। ठीक है, CH3 का एक हाइड्रोजन कम हुआ, उस बेस ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे मिला हमें CH2-। CH2- के बाद में रहेगा C डबल बॉन्ड OH, यानी हमें मिल गया इनोलेट। ठीक है, जैसे ही ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, उतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ तक आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमें मिल गया कार्बेनियन, हमें मिल गया। अभी इस कार्बेनियन की रिएक्शन हमें करनी है, दूसरा एक एल्डिहाइड हमारे पास बचा हुआ है जो है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड हमारे पास बचा है। एक एल्डिहाइड हमें जो हमारे पास था उसको हमने कार्बेनियन में कन्वर्ट कर लिया, वो हमें मिला CH2- C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अभी देख लीजिए दोस्तों मैकेनिज्म कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे है CH2-। अब क्या होगा, यहाँ पे CH2- C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे है एल्डिहाइड। ठीक है, जो एल्डिहाइड होता है जहाँ पे C डबल बॉन्ड O ये फंक्शनल ग्रुप रहता है, उस कार्बन के ऊपर रहता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यानी वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज ये कार्बन के ऊपर, और CH2
जो है उसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, यानी उस कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही इस कार्बन और इस कार्बन में बॉन्ड बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो वैलेंसी है, मैकेनिज्म समझ लीजिए, वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी हमेशा चार होनी चाहिए। यहाँ पे पहले ही इसकी वैलेंसी कंप्लीट है कार्बन एटम की चार। जैसे ही इस कार्बन और इस कार्बन में बॉन्ड बनेगा दोस्तों, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन वाला जो पाई बॉन्ड है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करना है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलेगा CH3C, यहाँ पे बनेगा O निगेटिव, क्योंकि ये पाई बॉन्ड हमने ऊपर शिफ्ट किया था। इसके बाद में इस हाइड्रोजन को हम ऐसा लिख सकते हैं CH, और इस कार्बन और ए कार्बन में बॉन्ड बनेगा तो ये बनता है CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो इसको क्या करेंगे हम, वाटर के साथ इसको HOH, ठीक है, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, जो H बनेगा H+ वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दोस्तों CH3CHOH देन CH2C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, सो इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म रहेगा, सिंपल टू स्टेप में मैकेनिज्म है। पहली स्टेप हमें कार्बेनियन जनरेट करना है। कार्बेनियन जनरेट कैसे होगा, जो अल्फा हाइड्रोजन रहेगा एल्डिहाइड का, वो अल्फा हाइड्रोजन बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, कार्बेनियन बनेगा, और कार्बेनियन बनने के बाद में उस कार्बेनियन का अटैक दूसरा जो एल्डिहाइड रहेगा उसके ऊपर होगा। अब इसके ऊपर ओ निगेटिव आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज जब रहेगा तो वो अनस्टेबल बोले कहलाएगा, तो वो क्या करेगा कि एच प्लस जो है वाटर का H+ वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे बनेगा OH। और आगे की स्टेप क्या रहेगी दोस्तों, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रोटोनल्डिहाइड, दैट इज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म और रिएक्शन क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या रहेंगे, अलग अलग एग्जांपल्स लेके आप इसके बहुत सारे एग्जांपल्स इसके ऊपर बन सकते हैं, उस एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस करिए। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम अगर होती है तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आपको अलग अलग कंपाउंड दिए जाएंगे, अलग अलग अल्डिहाइड्स या अलग अलग कीटोन्स दिए जाएंगे, तो उसकी रिएक्शंस क्या होगी, कितने प्रोडक्ट्स उसमें बनेंगे, ये आपको सब उसमें ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बेसिक बता दिया है, अब आपका काम है कि आप इसके जितने भी एग्जांपल्स है उनको कलेक्ट करना है और उन एग्जांपल्स के रिएक्शंस करके देखना है। ठीक है, और इसमें जो भी बारकाइयाँ होगी मैकेनिज्म की, वो बारकाइयाँ ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।